कविता को प्रस्तुत किया। इसलिए नई कविता में एक तरफ मुक्तिबोध भी दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ अज्ञेय हैं। लेकिन अगर हम उस इतिहास को देखें तो एक लंबे समय से शुरुआत दोनों इन कवियों ने नई कविता को प्रतिष्ठित करने में दोनों का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। लेकिन धीरे धीरे नई कविता आंदोलन व्यक्ति निष्ठता की तरफ झुकता गया और दूसरा शतक के ज़्यादातर कवियों में ये चीज़ें हमें दिखाई देती। धीरे धीरे नई कविता आंदोलन व्यक्ति निष्ठता को बहुत महत्व देता है और उसके सामाजिक संदर्भ गौण होते जाते हैं। और यही समय है कि मुक्तिबोध उस पूरी प्रवृत्ति का विरोध करते हैं जिसको हम कहते हैं आधुनिक बोध। यहाँ देखेंगे तो अज्ञे जी का आधुनिक बोध और मुक्तिबोध का आधुनिक दोनों अलग अलग हैं। व्यक्ति स्वातंत्र की उनकी धारणा अलग अलग है। मुक्तिबोध की संदर्भ में एक परिभाषा जरूर मैं बताना चाहूँगा जिससे नई कविता हमारे सामने स्पष्ट होती है। नई कविता मूलतः एक परिस्थिति में के भीतर पलते हुए मानव हृदय की पर्सनल सिचुएशन की कविता है। इसमें कहीं आत्मालोचन है तो कहीं बाह्य स्थित परिस्थिति और समाज पर व्यंग है, तो कहीं आर्थिक विषमताओं से उत्पन्न करुणा भाव है, तो कहीं ग्लान है, कहीं वैफल्य जनित विक्षोभ है, तो कहीं जीवन आलोचन है। ये एक नया रूप है और इसीलिए हम देखेंगे कि नई कविता में ये जो जीवन का संदर्भ है वो फिर से लौटता है। जो नई कविता की दूसरी पीढ़ी के कवि हैं जिनमें सर्वेश्वर, रघुवीर सहाय और केदारनाथ सिंह, ये तीनों आते हैं। रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक में थे और केदारनाथ सिंह और सर्वेश्वर तीसरे सप्तक के कवि थे। सर्वेश्वर में सामाजिक संदर्भ दिन पर दिन ज़्यादा मुखर रूप से सामने आए और केदारनाथ सिंह और रघुवीर सहाय में उत्तर काल में यानी सातवें दशक के उत्तर समय में उनकी कविता में ये धीरे धीरे स्पष्ट होते गए। भूख कविता एक तरह से मनुष्य के नए मनुष्य की प्रतिष्ठा करता है और ये किस तरह से आप देखिए कि मापदंड पूरा बदल गया। अस्तित्व के लिए संघर्ष, सौंदर्य कहाँ दिखाई देता है। कविता की पंक्तियाँ बहुत स्पष्ट हैं कि जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लगता है। आप देखिए संघर्ष में सौंदर्य दिखाई देखना ये नए कवि का भी विशिष्टता है। कविता का नया सौंदर्य भी यहाँ पर हमें दिखाई देता है। झपटता हुआ बाज, फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी कांटों में से नन्ही पत्तियां खाती बकरी, दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटका फल कुतरता तोता, या इन सबकी जगह आदमी होता। अब देखिए इन सारे उदाहरणों के बाद वह आदमी को वहां ले आते हैं तो आदमी का जो संघर्षशील रूप है वो सौंदर्य के साथ, उस सुंदरता के साथ जुड़ता है। तो भूख से लड़ने ये सर्वेश्वर की विशिष्टता है कि वह यहाँ इस तरह से करते हैं। दूसरी एक बात जो मुझे इस संदर्भ में कहनी चाहिए वो है कि अन्य कई कवि हैं जो इन तीन कवियों को जो मैंने बताया जो इन सप्तकों से बाहर थे फिर भी उनमें नई कविता के वो सारे तत्व मिलते हैं। एक और चीज़ इसी संदर्भ में मुझे याद आ रही है कि नई कविता के संदर्भ में जिन कवियों की चर्चा होती है उनसे इससे पहले जो कविता में और निरंतर सक्रिय रहे वो थे तीन लोग। शमशेर जी तो दूसरे सप्तक में आ गए थे लेकिन विडंबना ये है कि उनकी उन अति यथार्थवादी कविताएं जो तीन चार उनकी हैं उनकी ज़्यादा चर्चा होती है और जिनमें सामाजिक संदर्भ है उनकी उपेक्षा की जाती है। लेकिन नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल ये तीनों कवि नई कविता के समय जो समय है उसमें बहुत सक्रिय थे। लेकिन नई कविता के संदर्भ में जितनी चर्चा होती है उनमें इन तीनों का कोई उल्लेख नहीं होता। इसके पीछे का कारण बहुत स्पष्ट है क्योंकि जिस नई कविता आंदोलन के सूत्रधार धीरे धीरे अज्ञे जी बने उसमें सामाजिक संदर्भों की कविता को कोई जगह नहीं मिल रही थी परोक्ष रूप से,
और इसी कारण इन सारे कवियों जो निरंतर सक्रिय रहे, बाद में उनके सारे संग्रह आए सामने, उनकी चर्चा उस नई कविता के दौर में नहीं हुई और मुक्तिबोध ने उस चीज़ को जोड़ा। सर, जैसे कि त्रिलोचन भी प्रगतिशील कविता के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं, और जैसा कि आपने कहा कि नागार्जुन, तो केदारनाथ अग्रवाल और सर्वेश त्रिलोचन और नागार्जुन एक बड़े कवि होने के बावजूद उन्हें जैसे कि खास करके त्रिलोचन की बात कही जाए, तो सर क्या ऐसे कुछ वाद रहे या कुछ साहित्यिक अंदर कुछ विवाद चलता रहा जिनके चलते त्रिलोचन को इस मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया, और नई कविता में तो उनका जो योगदान होना चाहिए था, या उस तरह से उन्होंने कविता नहीं लिखी या उस तरह से उन्होंने जुड़ना नहीं सोचा? हाँ, देखिए इसमें जो मैंने अभी एक संकेत किया कि नई कविता आंदोलन, ये स्वाभाविक है, जब एक आंदोलन का रूप लेता है तब कोई ना कोई उसको दिशा निर्देश करता है। नई कविता आंदोलन पर जैसे रामविलास शर्मा भी कहते हैं कि नई कविता वादी, यानी जिसमें व्यक्ति निष्ठता विशेष थी, परिमल ग्रुप, अज्ञे और परिमल ग्रुप, अब प्रतीक उसकी पत्रिका, ये सारी पत्रिकाएं जो उस संदर्भ में जुड़ती हैं, उन्होंने व्यक्ति के द्वंद, उसका संशय, इस पर ही ध्यान केंद्रित किया, और जहाँ व्यक्ति का संघर्ष और उसकी सामाजिक चेतना मुखर होती है उसको उन्होंने, उसकी उपेक्षा की। और यही बात मुक्तिबोध बार बार नई कविता के संदर्भ में उठाते थे, और यही कारण है कि चूँकि उस पूरे दौर में इस दूसरे पक्ष, व्यक्तिवादी पक्ष के कवियों और संपादकों का वर्चस्व था, इसलिए ये त्रिलोचन, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल ये सब उपेक्षित रहे। और आप जानते हैं कि जब प्रतिबद्ध कविता या जनवादी कविता, जिसको हम कहते हैं साठ के बाद साठोत्तरी कविता का समय आया, तब फिर से इनकी चर्चा होने लगी। तो आंदोलन ने इसी को लेकर तो मुक्तिबोध और अज्ञेय में एक काफ़ी वैचारिक टकराहट हमारे दिखाई देती है। और एक उस समय अज्ञेय जी ने एक बहुत एक शब्द, उनका अनुभूति की प्रामाणिकता और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, ये दो शब्द उन्होंने दिए थे, और इसको तात्विक रूप से रचना प्रक्रिया की नई कविता के संदर्भ में बहुत चर्चा होती थी। इन तीनों चीज़ों पर मुक्तिबोध के लेख हैं और उनकी कविता में भी वो संदर्भ आते हैं कि व्यक्तिगत ईमानदारी का मतलब अभिव्यक्ति, जो विचार आया है वैसा का वैसा उसको प्रस्तुत करना, ये व्यक्तिगत ईमानदारी नहीं, क्योंकि जो विचार है उसको शब्दबद्ध करने के लिए कवि जो रचनाकार है वो कोशिश करता है, और जो नौसिखिया है वो परंपरा, जो पैटर्न चल रही है, जो प्रवाह चल रहा है, उसको ही अपनी अभिव्यक्ति में देता है, और जो उसके अनुभूत सत्य हैं उनको छोड़ देता है। नए शब्दों की जो प्रामाणिकता और नए शब्द, सार्थक नए शब्दों की खोज की जो बात है वो अज्ञेय जी कहते हैं इसी संदर्भ में। सर, सार्थक शब्दों की तलाश तो बिल्कुल नहीं, इस शब्द से तो कोई किसी को परहेज नहीं हो सकता, लेकिन मुक्तिबोध यहाँ पर जो बात करते हैं वो ये है कि सौंदर्य शास्त्र के की जड़ीभूत सौंदर्य शास्त्र उनका एक शब्द है, और सेंसर्स, ये क्या होता है कि जो वातावरण चला है, आपने आप इसको मैं दूसरे संदर्भ में मैं समझाने की कोशिश करूँ कि जो ठग वाली एक हमारी कथा है कि वो है मेमना, लेकिन बताया जाता है उसको दूसरा, और ठग जो है बार बार उसको कह के वो बेचारा उसको छोड़ देता है। नए रचनाकारों के लिए जो प्लेटफॉर्म था, जो उस समय अभिव्यक्त थी, उन्हीं को वो समझ रहे थे कि यही सही है, और जो उनके मूल के भाव थे उनको वो दबा दिए थे। वो कहते हैं कि सेंसर्स तो उस रचनाकार के अंदर भी मौजूद होते हैं, और इसीलिए वो कहते हैं कि इसको हम व्यक्तिगत ईमानदारी नहीं कहते। सर, नई कविता जैसा पहले कहा गया कि व्यापक धरातल है, और एक इसमें काफ़ी लंबे अरसे में कई कवियों ने अपना साहित्यिक योगदान दिया, इसलिए यह प्रश्न पूछना तो कि कौन सा कवि बड़ा है या किन मुख्य कवियों को रखा जाए, ये तो उचित नहीं है, लेकिन सब विद्यार्थियों के लिए सर ऐसा है कि इस नई कविता के जो प्रमुख कवि हैं
और वो कौन कौन से हैं और उनकी उपादेयता क्या है, क्या कारण है कि आगे वर्षों बाद आज भी एक बड़े कवि माने जाते हैं, मुक्तिबोध एक बड़े कवि के रूप में स्थापित हुए हैं। तो सर इनकी जो रचना प्रक्रिया रही, इनके जो रचना पुस्तकें जितनी आई सामने, ये वाद को लेकर और वैचारिक धरातल को लेकर, रचनात्मक परिवेश को लेकर या सौंदर्य और शिल्प के संदर्भ में लेकर, वो किस तरह से एक बड़े कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं सर, इस पर सिर्फ इसलिए कि हाँ इसमें ये मेरा उद्देश्य नहीं कि यह कवि बड़ा है या छोटा है, लेकिन विद्यार्थियों को हम जैसे सभी नए लोगों को समझ में आए कि हाँ यह कवि इसलिए बड़ा माना जाता है। ओम प्रकाश जी, आपने विषय जो प्रश्न किया है बहुत तात्विक भी है, लेकिन यहाँ मैं इसको दूसरे ढंग से उत्तर दूंगा। देखिए, नई कविता आंदोलन में ये जो दो स्वर हैं वो और वो जो वैचारिक टकराहट है, ये वो उस समय की बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इससे एनर्जी, जिसको हम कहते हैं ताकत भी थी, लड़ने का एक जोश भी आया था और बहुत ज़बरदस्त वैचारिक टकराहट थी। ये इस मुद्दे को हमें भूलना नहीं है। दूसरी बात, इसको सकारात्मक अगर हम इस आंदोलन को देखें तो इसमें चाहे वो मुक्तिबोध हों चाहे अज्ञे हों, इन्होंने नए मनुष्य की प्रतिष्ठा की। वो मनुष्य कैसा है, उसकी अनुभूति कैसी है, इस पर इनमें विवाद था, लेकिन नए मनुष्य और नए मूल्य, ये नई कविता आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अब अज्ञे जब कहते हैं कि अर्थवान शब्द, सार्थक शब्द की तलाश, तो इससे किसी को परहेज नहीं हो सकता। और ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एक बात ये कही, कविता शब्दों से लिखी जाती है, और अगर हम चुनाव में सार्थक शब्द नहीं आए तो कविता रही कैसे। लेकिन उन्होंने जो बात उसके पीछे छुप गई थी वो थी सामाजिक संदर्भ। मुक्तिबोध ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग जो कवि थे नए, उन्होंने अपने अपने ढंग से कविता में सार्थक शब्द की तलाश की, अपने उन भावों के लिए नए उपमान की, जैसे बात अज्ञे जी के सामने चली, नए बिंब, नए प्रतीक, ये सारी नई भाषा, ये सब कुछ है। इस संदर्भ में आप देखिए, सबसे बड़ी एक भवानी प्रसाद मिश्र का नाम हम सब जानते हैं, उनका एक बहुत अच्छा काव्य पंक्तियाँ थीं जिन्होंने एक मापदंड नए कवियों के सामने रखा, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। अब आप देखिए, बोलचाल की भाषा में अभिव्यक्त करना, ये नई कविता में ही आया जी। और उसके बाद भी उसमें कैसे कुछ ऐसा आ जाए जो ऐसा लगे कि ये हम नहीं कर सकते थे, इसमें ये नयापन आया है। तो जिसको हम अज्ञे की कहेंगे सार्थक शब्द की तलाश, वही तो थी। और उस दौर में इन जिनकी बात आपने की, देखिए एक बहुत बड़ा एक व्यापक फलक है नई कविता के कवियों का, जिसमें आज हम जब चर्चा करते हैं उसमें नागार्जुन, त्रिलोचन, शमशेर तो नई कविता के रूप में प्रतिष्ठित हैं ही, लेकिन केदारनाथ, अग्रवाल, इन तीनों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। और अगर उन कविताओं को हम देखेंगे तो वो आधुनिक संवेदना की कविताएं हैं। तो ये एक पहली पीढ़ी है। दूसरी पीढ़ी आप देखेंगे तो अज्ञे, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन ने तो फिर बाद में छोड़ दिया लिखना, लेकिन नरेश मेहता, गिरजा कुमार माथुर, इनकी एक पीढ़ी है। और उसके बाद दूसरे शब्दक से और तीसरे शब्दक में जो बाद में बहुत जिन्होंने विकास किया, उनमें सर्वेश्वर, रघुवीर सहाय और केदारनाथ सिंह आते हैं। श्रीकांत वर्मा जो सप्तक के बाहर के हैं, उनका भी निरंतर विकास होता है। अब प्रश्न ये है कि यहाँ नई कविता के संदर्भ में दो चीज़ें और हम स्पष्ट कर लें कि अज्ञे जी ने जिस छोटी कविता की बात की, जिसमें क्षणवाद आता है, रचना भाषा की सृजनात्मकता की बात की, ये सारी चीज़ें बहुत अपने में महत्वपूर्ण लगती है, लेकिन लंबी कविता मुक्तिबोध के द्वारा आई और उन्होंने उसको ये नहीं कहा कि ये लंबी कविता और छोटी कविता है, उन्होंने कहा जीवन बहुत ही संकुल है, जिसको कहते हैं इसमें एक से दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है, संबद्ध है, संश्लिष्ट जीवन है, उसके उस प्रश्नों को पकड़ने के लिए
इस कविता का जो व्याप है बड़े फलक पर हम देखेंगे तो हमें जीवन की क्षण वाली कविताएं आप छोटे छोटी कविताओं में आ सकता है, लेकिन बड़े संदर्भ को अगर लेना है तो कविता का व्याप बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा मेरी सारी कविताएं अधूरी हैं, लंबी कविता होते हुए भी अधूरी कविता, उन्होंने कहा। और ये एक बहुत बड़ी बात थी कि नई कविता का जो व्याप है वो बड़ा। इस संदर्भ में जो आप सब जानते हैं कि मुक्तिबोध नई कविता के कवि होते हुए भी उनकी कविताएं कम से कम छपी उन दिनों, और उनका दुर्भाग्य से उनका पहला कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है उस समय प्रकाशित हुआ जब वो अचेत अवस्था में बीमार थे 1964 में। तो यही एक बताता है कि नई कविता में किस तरह के ये ध्रुवीकरण चल रहा था। लेकिन अगर रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर और केदारनाथ सिंह की उस समय की कविताएं हम देखें जो दौर 60 तक का है, तो इनमें हम देखेंगे कि जिसको हम कहते हैं भाषा की सृजनात्मकता और संदर्भ आस्था दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों बड़े कवि बाद में अपना विकास करते हैं जिनमें सामाजिक संदर्भ बाद में आता है। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से बात करूँगा, आप देखेंगे वो उसमें। जैसे केदारनाथ सिंह हैं, केदारनाथ सिंह ने एक कविता, हाँ चलिए हम पहले सर्वेश्वर से ही बात करते हैं। सर्वेश्वर ने की जो कविता है लीक पर वे चलें, ये जैसे परंपरा के स्थान पर मनुष्य के पुरुषार्थ की, मनुष्य के कर्म की प्रतिष्ठा है। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्राओं से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। मनुष्य, नए मनुष्य का इससे ज़्यादा गौरवगान और क्या हो सकता है। तो ये जो है कि कहीं हमें कोई, और जानते हैं आपके हर नए कवि ने ईश्वर को संबोधित करके कविताएं लिखी हैं, और उसमें मनुष्य अपने सामर्थ्य जो भी है उसकी, उस पर वह आगे बढ़ना चाहता है। तो ये एक नया रूप हमारे सामने दिखाई देता है। मैं केदारनाथ सिंह की कविता का बात कर रहा था, उन्होंने अपनी छोटी बच्ची के नाम एक कविता लिखी, और आप देखिए उसमें एक सुंदर बिंब, आप ये भी जानते हैं तीसरे सप्तक में उनका वक्तव्य है, उसमें वो कहते हैं मैं कविता में सबसे ज़्यादा ध्यान देता हूँ बिंब पर, और ये जो बात है उसके पीछे एक तथ्य था।